Hey Shona Muniz, how are you? Welcome to my channel, The Spunky Sweetie. मैं हूँ स्वीटी. क्या आपका स्किन ड्राई हो गया है? विंटर है, समर है, कोई भी सीजन है, हम लोगों का स्किन कभी भी ड्राई हो सकता है. तो महंगे से महंगे मॉइस्चराइजर ना लेके अगर आप ये नुस्खा आजमाएंगे ना, तो आपका जो ड्राइनेस का प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए चला जाएगा और साथ ही साथ स्किन ग्लो करेगा, फेयरनेस लाएगा, दाग धब्बे मिटाएगा, एक्ने का प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा. लेकिन 10% मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, इसका जो रिजल्ट है वो बेस्ट रहेगा. तो चलिए देखते हैं. यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून मलाई के साथ 1/2 टीस्पून कस्तूरी हल्दी लिया है. अगर आपके पास कच्चा हल्दी है तो आप जरूर उसे यूज कीजिए. जो हम कुकिंग के लिए टर्मरिक पाउडर यूज करते हैं उसको ना लगाएं, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं जिससे कि हमारा स्किन जो है खराब हो सकता है. तो आप रेडी है? तो मैं भी रेडी हूँ इसको लगाने के लिए. सबसे पहले जो हमें करना है, स्किन को हमें क्लीन करना है. मैं क्या करती हूँ, हमेशा फेस पैक लगाने के टाइम वार्म वाटर में ऐसे हैंड टॉवल को मैं भिगो देती हूँ और इससे अपने स्किन को मैं इस तरह से पोंछती हूँ. जिससे क्या होता है, हमारे जो स्किन के पोर्स हैं वो ओपन हो जाता है और इससे जो भी हम फेस पैक लगाते हैं अच्छी तरह से स्किन के अंदर चला जाता है. मैंने कस्तूरी हल्दी जो यहाँ पे लिया है वो मैंने अमेजोन से खरीदा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. आप वहाँ पे जाके चेक करके खरीद सकते हैं. अदरवाइज आपके पास अगर कच्चा हल्दी है तो वो बेस्ट है, वही इस्तेमाल कीजिए. पता है फ्रेंड्स, मलाई में काफी मात्रा में बेनिफिट्स रहता है. क्यों पता है? उसमें एक प्रॉपर्टी रहता है लैक्टिक एसिड. वो क्या करता है, अनइवन स्किन टोन को इम्प्रूव करता है, ब्राइट करता है कॉम्प्लेक्शन, स्किन के हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारे स्किन के जो इलास्टिसिटी है ना उसको भी टाइटन करता है. जल्दी से बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ और वो है बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल, टर्मरिक. मैं तो रेकमेंड करूंगी कि टर्मरिक जो है अपने डेली के स्किन केयर रूटीन में जरूर जरूर इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होता है. उससे क्या होता है, उससे हमारे जो एक्ने पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है वो भाग जाता है और हमारे जो अर्ली साइंस ऑफ एजिंग है उसको भी कम करता है, सन डैमेज हो गया उसको भी ठीक करता है. नेक में भी आपको लगाना है, लेकिन मैं यहाँ पे वीडियो कर रही हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा. पूरे बॉडी में भी लगा सकते हैं, सारे जगह पे लगा के फिर 20 मिनट रख के फिर आप नहा लीजिए. हाथों में भी लगा लिया है, देखते हैं दोनों हाथों का डिफरेंस. 20 मिनट होने के बाद ये पूरा सूख गया है अच्छी तरह से. अभी इसको हम वॉश कर लेंगे. यहाँ पे मैं टॉवल से क्लीन कर रही हूँ. आप ऐसे घर पे करेंगे तो वॉश कर लीजिएगा. बहुत डिफरेंस है आपको कैमरे में, मुझे पता नहीं है दिख रहा है कि नहीं, ये काफी डिफरेंस है इसमें. फिर इसके बाद कोई भी टोनर आप लगा लीजिए और मॉइस्चराइजर अपना जो स्किन में सूट होता है वही मॉइस्चराइजर आप लगा लीजिए. जो मलाई मैंने जिस दूध से लिया है वो फुल फैट मिल्क है. आप कोई भी मिल्क ले सकते हैं, लेकिन फुल फैट मिल्क से क्या होता है, मलाई जो है काफी गाढ़ा आता है और वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है. कोई भी एज ग्रुप के लोग इसे लगा सकते हैं, हफ्ते में 2-3 बार भी लगा सकते हैं. स्किन अगर ज्यादा ड्राई हो गया है तो 1 हफ्ता आप रेगुलरली इसको हर रोज रात में लगाइए. रात में कोई भी फेस पैक लगाने से उसका इफेक्ट अच्छा होता है. अगर आप सोने से पहले लगा के फिर मॉइस्चराइजर या फिर नाइट क्रीम अपना लगा के फिर सो जाते हैं, उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है. और हाँ, अगर आपको येलोइश कलर अपने स्किन में अच्छा नहीं लगता है, जैसे आप टर्मरिक इतना यूज करना नहीं चाहते हैं, तो सिर्फ मलाई यूज करने से भी आपका स्किन जो है काफी अच्छा हो जाएगा. ये 90% लोगों को सूट कर जाएगा. अगर किसी को दूध से कुछ एलर्जी हो जाता है, पिंपल्स हो जाता है, सिर्फ उन लोगों के लिए ये सूट नहीं करेगा. ये नुस्खा काफी इफेक्टिव है फ्रेंड्स, तो जरूर इसको यूज कीजिए और मेरे चैनल में मेरे साथ जरूर बने रहिए, सब्सक्राइबर का बटन दबा के और साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बटन भी जरूर दबाइएगा. और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए. बाय बाय शोना मुनीज़.